कुछ अच्छी बातें करते हैं। आलमी फुटबॉल लेजेंड्स पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तानी क्विस्ट मोहम्मद आसिफ ने इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। कंग्रेचुलेशंस मोहम्मद आसिफ, हमारे साथ होंगे। तुर्की के शहर एनाटोलिया में मोहम्मद आसिफ ने फिलिपाइन के जेफरी रॉड को 5 के मुकाबले में 8 फ्रेम से शिकस्त देकर आलमी टाइटल अपने नाम किया है और बड़ा फख्र है हमें मोहम्मद आसिफ पर और होना भी चाहिए। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ पेशावर के कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 33वें नेशनल गेम्स का इफ्तिताह हो गया है। 6 रोज़ा गेम्स में 10,000 से ज़ायद खिलाड़ी 30 से ज़ायद खेलों में हिस्सा लेंगे। खेल के मैदानों में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें मिली हैं। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में पाकिस्तान ने कांसे का तमगा जीत लिया। क्वेटा से ताल्लुक़ रखने वाले फजल इलाही ने कोरिया में होने वाली 11वीं आलमी चैम्पियनशिप में 100 किलो कैटेगरी का एजाज अपने नाम किया। खेलों के मैदान में ही एक और अच्छी खबर आई है, जब माहूर शहजाद ने, बड़ा ज़बरदस्त और यूनिक नाम है, माहूर शहजाद ने इस्लामाबाद में होने वाला बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत दिया है। ईरान के टॉप खिलाड़ी को शिकस्त दी है। सो माहूर, आपको भी मुबारकबाद देंगे, लेकिन हम आपको फिर कभी बुला के आपसे गुफ्तगू करेंगे। अभी तो हम चैम्पियन से बात करेंगे। स्नूकर चैम्पियन मोहम्मद आसिफ इज़ ऑनलाइन विद अस। आसिफ, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपने इतना बड़ा मुकाबला जीता है, पूरे पाकिस्तान को आप पे फख्र है। आपको तवक्को थी कि आप आलमी चैम्पियन बन जाएंगे, इस कामयाबी का क्रेडिट अगर आप किसी को देना चाहें अपने अलावा तो दिस प्लेटफॉर्म इज़ है, आप दे सकते हैं किसी को भी। पहले तो बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह ताला का खास करम है कि मैं सेकंड टाइम ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं इसका क्रेडिट जो है अपने वालदैन को देना चाहूँगा, अपने वालदैन को और अपने बीवी बच्चों को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमेशा मुझे। वालदैन की तरफ से बहुत दुआएं मिलती हैं और बीवी बच्चों का साथ जो है वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हर जगह पे, क्योंकि बहुत सारे घर में फंक्शन जो होते हैं वो भी मिस हो जाते हैं, उनको टाइम नहीं दे पाता स्नूकर की वजह से। तो उन्होंने बड़ा यानी कि स्ट्रगल की है मेरे साथ साथ, मैं तो करता ही हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, तो मैं ये टाइटल जो है उनके नाम करना चाहूँगा। अच्छा आसिफ, आपने कुछ साल पहले जब आप पहली अपनी जीत का तस्करा कर रहे थे, आलमी चैंपियन बन के दुनिया को हैरान कर दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ ब्रेक आ गया और उसके बाद अब ये जीत आपके हिस्से में आई है, तो बीच का जो टाइम था उसमें आपने अपनी स्किल को बेहतर किया है या आपकी फॉर्म में कुछ मसला आ गया था? सो ये लोग आपके जो फैंस हैं वो पूछ रहे हैं कि टाइम ज़रा ज़्यादा लग गया बीच का। जी बिल्कुल, देखें प्लेयर की परफॉर्म ख़राब नहीं होती, बात यह है कि प्लेयर जो है उसको ज़रूरी नहीं है कि वो हर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे और हर टूर्नामेंट में विन कर ले। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह के ये जो पिछले 6 साल गुजरे हैं उसमें मैंने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, इसके अलावा जो पहला जीता है, उसके अलावा मैंने टीम में जीता है, फिर इंडिविजुअल 6 रेड जीता, फिर टीम में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती। तो टाइटल साथ साथ मैं तकरीबन हर एवरी ईयर मेरा तकरीबन एक टाइटल जो है वो इंशाल्लाह आता रहा है इंटरनेशनल। और अब तो ये जबरदस्ती हो गया, ये तो कमाल ही हो गया, ये जो आपने इस दफा टाइटल जीता है। आप यकीनन जो नए यंग एमेचर प्लेयर्स हैं उनके लिए तो रोल मॉडल हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या फिर उनके लिए कोई गाइडेंस है जो वो आपसे ले सकते हैं कि अगर मोहम्मद आसिफ बनना है तो फिर कैसे बनना पड़ेगा? देखें, इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में एक मुस्तकिल मिजाजी जो है वो लानी पड़ेगी और रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और साथ में अपने सीनियर्स की अगर इज्जत करेंगे तो उनको ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा, और रिस्पेक्ट करने से हमेशा फल जो है वो ज़्यादा जल्दी लगता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारे नए खिलाड़ी हैं वो भी इंशाल्लाह बड़े अच्छे खेलने वाले हैं और बड़े मोटिवेटेड हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो भी अच्छे प्लेयर जो है वो साबित होंगे। अच्छा आसिफ, ये बताइएगा कि पिछली मरतबा जब आप जीते थे, हम 6 साल पहले की बात करें, बीच में भी आप ज़ाहिर टाइटल्स लाते रहे, तो उस वक्त बड़े दावे और वादे किए गए थे आपसे इनामात वगैरह के, हुकूमत और दीगर इदारों की तरफ से, वो सारे पूरे हुए थे और अभी आपसे किसी ने रब्ता किया? नहीं जी, उस टाइम भी कुछ रह गए थे, कुछ 1-2 हो गए थे, बस ऐसा ही है, लेकिन अभी फिलहाल तो मेरा किसी से रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि मैं आज अभी पाकिस्तान आया हूँ तकरीबन आधा घंटा पहले, तो अभी आऊँगा इंशाल्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो हुकूमत पाकिस्तान है इंशाल्लाह इस दफ़ा पूरा सपोर्ट करेगी हमें, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो ताकि
ظاہر ہے وزیر اعظم بھی ایک کھلاڑی رہے ہیں تو ان کو تو باخبر ہیں اور ادراک ہے اس ساری صورتحال سے کہ کھلاڑی کتنی سٹرگل کے بعد ایک مقام تک پہنچتا ہے. بہت شکریہ آپ کا آصف, اینڈ تھینک یو. آپ یقیناً بہت تھکے ہوئے بھی ہوں گے, ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی پاکستان پہنچے ہیں اور ایئرپورٹ پہ ہم نے دیکھا عالمگیر شیخ صاحب بھی ہمیں نظر آ رہے تھے. بڑی ان کی بھی کاوش ہے یہ سنوکر کی ترویج اور اس میں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور آپ کی تو سرٹنلی محنت ہے ہی, انتھک محنت ہے.